गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सभी के साथ शेयर किया था सेकंड चैनल पर कि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम खांसी वगैरह हो गया था, तो इस वजह से जो है ये व्लॉग थोड़ा लेट हो गया है, दो दिन लेट हो गया है, क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पा रही थी। मेरे सिर में जो है बहुत दर्द हो रहा था, तो अब थोड़ा आराम है। जो काम खांसी तो अभी भी है, बट जो सिर दर्द था वो ठीक हो गया था, तो सोचा इसकी एडिटिंग वगैरह करके जो है शेयर कर देती हूँ, फिर ज़्यादा जो है लेट हो जाएगा। तो ये संडे का ब्लॉग है और सुबह का टाइम हो रहा है, लगभग 6:45 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कड़ी, खाने की तैयारी कर रही हूँ। और इतना जल्दी खाना इस वजह से बना रही हूँ क्योंकि मुझे आज फिर जो है अपनी मेडिसिन लेने के लिए जाना है। जैसा कि मैंने आपके साथ पहले शेयर किया था, मैं अपने जो है स्कैल्प की, हेयर्स वगैरह की जो है मेडिसिन मैंने स्टार्ट की है, तो 2 हफ्ते की उन्होंने मेडिसिन दी थी, तो आज 2 हफ्ते हो गए हैं, तो फिर मुझे जो है मेडिसिन लेने जाना है। तो इस वजह से सोचा खाना वगैरह जो है बनाकर रख जाऊंगी, तो फिर मेरे लिए आसानी रहेगी। और पहले खाना इसलिए बनाने लगी कि पहले खाना बना दूंगी तो फिर सारा काम जो है एक साथ ही निपट जाएगा, वरना फिर जो है बाद में क्लीनिंग के बाद खाना बनाती तो फिर से जो है उतना काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए कड़ी मैंने जो है बनने के लिए रख दी थी, उधर दूसरी साइड चाय भी रख दी है, और कड़ी में अच्छे से उबाल आ गया है, तो इसमें जो है फिर जो नमक होता है वो मैं डाल दूंगी। और कड़ी में जो है मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़े जो हमारे मसाले होते हैं बेसिक से, वो सब जो है ऐड कर दिए थे। वो वाली क्लिप जो है मुझसे पता नहीं किस तरह से डिलीट हो गई। और वैसे कड़ी की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट फिर भी एक दो कमेंट बीच में आ जाते हैं कि दीदी एक बार कड़ी की रेसिपी शेयर कर दीजिए, तो आज बना ही रही थी तो सोचा शेयर कर देती हूँ। और कई दिनों से जो हस्बैंड और बेटी दोनों बोल रहे थे कि कड़ी बनाओ, तो इस वजह से फिर जो है आज मेरा मन हो गया। वैसे प्लानिंग तो पहले से ही थी आज बनाने की, बट फिर आज जब मेडिसिन लेने जाना था सोचा जल्दी ही बनाकर रख देती हूँ, तो जो है फिर खाने की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर बस कड़ी में उबाल आ गया था, तो नमक डाल दिया है, वो धीरे धीरे पकती रहेगी। जब तक जो चाय थी वो बन गई थी, तो मैं चाय हस्बैंड को दे आई हूँ और अपनी चाय भी मैं निकाल कर रखाई हूँ। और मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, तो पकौड़ियों का जो बैटर होता है वो मैं यहाँ बनाकर रख दूंगी, तो जिससे ये थोड़ा सा जो है फूल जाएगा, तो पकौड़ियाँ जो है अच्छी एकदम बढ़िया सॉफ्ट बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा बेसन था वो मैंने ले लिया था, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालकर मैंने जो बैटर है वो बना दूंगी। थोड़ा सा जो दही का जो पानी सा था वो मैंने इसमें डाल दिया है, उससे भी जो है पकौड़ियाँ काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो बस बैटर मैंने यहाँ पर बनाकर रख दिया है और कड़ी को भी एक बार मैं चला देती हूँ, फिर मैं जाकर अपनी चाय पी लूँगी, वरना फिर जो है ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, वैसे भी जो है ठंडी हो गई होगी। तो बस यहाँ पर मैंने कड़ी भी एक बार चेक कर ली है और इसको मैं ढक दूँगी ताकि इसमें कुछ गिर ना जाए, तो ये धीरे धीरे पकेगी, तब तक मैं अपनी चाय पी लूँगी। तो यहाँ पर चाय के साथ मैं नमकीन ले आई थी, चाय पी रही थी, तो अभी जो है बच्चों को नहीं जगाया है क्योंकि फिर अभी जाग जाता है ना, तो वो मुझे फिर सही से चाय भी नहीं पीने देता है, तो चाय पी लूँगी, उसके बाद बच्चों को भी जगा दूँगी और पकौड़ियाँ बनाऊंगी, तो उसी में जो है थोड़ी सी ज़्यादा पकौड़ी बना दूंगी और साथ में जो पापड़ हैं वो फ्राई कर दूंगी, तो बच्चों के चाय के साथ हो जाएंगे, अभी को काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो वो भी जो है थोड़े से मैं फ्राई कर दूंगी। तो बस यहाँ पर चाय मैंने पी ली थी, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में फिर से। और यहाँ पर जो हमारी कड़ी है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था दूसरी कढ़ाई में, तो उसमें पहले मैंने ये थोड़े से जो पापड़ थे वो निकाल दिए हैं बच्चों के लिए। हमारी तो हो ही गई है, मैं तो अब नहीं खाऊंगी, बट बच्चों के लिए हो जाएगी, तो बस यहाँ पर पापड़ निकाल दिए थे, उसके बाद ये जो पकौड़ियाँ हैं वो मैं बना दूंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैटर जो है आज थोड़ा सा जो है ज़्यादा पतला हो गया है, तो थोड़ा मुझे पकौड़ियाँ जो है डालने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा थिक होता तो फिर जो है बहुत ही अच्छे से बन जाती हैं। अलग से फिर मैंने बेसन जो था वो ऐड नहीं किया क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होता, पहले से बैटर मैंने बनाया था इस वजह से कि फूल जाए, और फिर अगर मैं ऊपर से बेसन डाल देती तो फिर से वही हो जाता। तो देखिए यहाँ पे वैसे पकौड़ियाँ तो काफ़ी अच्छी बन गई हैं, बट उनमें वो पूंछ सी बन गई थी क्योंकि थोड़ा सा जो है ये रनी हो गया था, तो डालते टाइम जो है उसमें पूंछ सी बन जा रही थी। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर जो पकौड़ियाँ थी वो भी मैंने सारी बना ली हैं। और यहाँ पर अब मैंने ले ली है हरी मिर्च, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, वैसे मुझे हरी मिर्च ज़्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर मैंने 4-5 के करीब हरी मिर्च ले ली है और ये ज़्यादा तीखी नहीं है, हल्की तीखी है, तो इस वजह से मैंने इतनी ले ली है, वरना मैं कम लेती। और बस उसी तेल में मैंने डाल दिया है जीरा, हींग और यहाँ पर
गैस बंद कर दिया था, जब तक ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम उसमें करी पत्ता वगैरह डालेंगे। तब तक मैंने यहाँ पर कढ़ी में जो पकौड़ियाँ थी वो भी डाल दी हैं। यहाँ पर ऑयल थोड़ा ठंडा हो गया है, एकदम गर्म में डाल दो ना तो करी पत्ता जलकर काला हो जाता है तो बहुत बेकार लगता है। बस थोड़ा सा मैंने कश्मीरी मिर्च डाल दिया है, बस यहाँ पर लग गया है हमारा तड़का। देखिए कितनी बढ़िया एकदम कढ़ी बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और मैं जब भी कढ़ी बनाती हूँ ना तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाती हूँ, क्योंकि मैं कढ़ी बनाऊँ और जब तक 2-3 बार ना खा लूँ ना तो मेरा पेट नहीं भरता है कढ़ी से, मुझे कढ़ी इतनी पसंद है। तो बस कढ़ी बन गई थी और यहाँ बच्चों को चाय दे दी थी, तो वो अपना चाय और पापड़ एंजॉय कर रहे हैं, हस्बैंड बैठे हुए हैं। और अब बच्चों को नीचे बिठा दिया है ताकि मैं अपना जो क्लीनिंग का काम है बेड का वो कर लूं, फिर बच्चों को ऊपर बिठा दूंगी। तो सबसे पहले जो बेडशीट वगैरह है उसको मैं ठीक कर दूंगी, और ये ब्लैंक चादर वगैरह है ओढ़ने वाली इसको भी मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। और उसके बाद फिर मैं अपना जो भी झाड़ू पोछा का काम है वो कर लूंगी, और फिर बच्चों को नहला धुला कर मैं भी नहा धोकर हो जाऊंगी रेडी। और अभी चावल नहीं बनाए हैं तो चावल भी मैं बना दूंगी बाद में, और रोटी वगैरह नहीं बनाऊंगी, रोटी दिन में अगर कोई खाएगा लौट कर आएंगे तो तब बना लूंगी, नहीं तो वैसे भी कढ़ी के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मेरा झाड़ू पोछा का सब काम हो गया था, और उसके बाद अब मैं यहाँ पर जो चावल है वो बनने के लिए रख दूंगी। तो जितनी देर में मैं बच्चों को नहलाऊंगी तो उतनी देर में चावल बन जाएंगे, तो फिर मैं उनको खाना खाने के लिए दे दूंगी, और इतने में फिर मैं भी नहा लूंगी। तो ये होगा ना कि थोड़ा थोड़ा हम भी खा जाएंगे, बच्चे भी खा लेंगे, तो ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर वहां पे लेट हो जाता है थोड़ा बहुत तो फिर जो है भूख नहीं लगेगी। तो बस यहाँ चावल बनने के लिए रख दिए हैं, दूसरी साइड दूध वाले भैया दूध दे गए थे तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर क्या हुआ था, संडे का दिन था और हस्बैंड के ऑफिस से जो है कॉल आ गया था, तो वो ऑफिस में चले गए थे, कोई काम आ गया था, तो फिर जो है संडे के दिन भी ऑफिस खोलना पड़ा और वो ऑफिस में बैठे हैं। और मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अगर लेट हो गए ना तो फिर जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है वहां पे, जितना लेट हो जाते हैं तो उतनी ही भीड़ बढ़ती जाती है, तो फिर जो है नंबर भी बहुत जो है लेट आता है। तो मैं उन्हें कॉल भी कर रही थी, गए थे तब भी मैंने याद दिला दिया था कि 10 बजे तक आ जाना। तो देखते हैं, अभी तो जो है मैंने बच्चों को दोनों को नहला दिया है और उनको दे दिया है मैंने कढ़ी चावल खाने के लिए, और बेड पर ही बैठा दिया है क्योंकि मैं नहाने जाऊंगी, तो नीचे मुझे थोड़ा डर रहता है कि कीड़े वगैरह जो है आ जाते हैं, बरसात का टाइम है, तो ऊपर ही मैंने बिठा दिया है। और जो गेट था वो मैं लगा दूंगी और मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, तब तक बच्चे दोनों आराम से खा लेंगे, बाबू है ही तो अभी को भी वो खिला देगी आराम से, वैसे तो वो खा लेता है अपने आप। और बस अब मैं आ गई हूँ यहाँ नहाकर, और ये कुछ मैंने कपड़े डाले हुए थे सूखने के लिए। और यहाँ पर देखिए सामने जो पेड़ था उसकी टहनी जो है झुक गई थी नीचे की तरफ, पता नहीं कैसे, तो पूरी जो है रास्ते में आ गई थी, तो मैं बस वही देख रही थी और सोच रही थी इसको मैं थोड़ा सा जो है ठीक कर दूँ। बट मैंने काफी कोशिश की इसको खींचने की, वैसे तो एकदम देख सकते हैं आप सूखी हुई है, लेकिन बरसात की वजह से ना थोड़ा वैसी हो गई है तो टूट ही नहीं रही थी। मैंने बहुत जो है इसको खींचा कि ये जो है नीचे आ जाए, बट वो नीचे आई नहीं, मेरे में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं इसको खींच लेती, तो फिर मैंने वो छोड़ दी कि बाद में कोई कर देगा, मुझसे तो नहीं हुई। तो बस मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ, और अब जो है अब हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, काफी जो है लेट हो गया हस्बैंड की वजह से, और मैंने जो है पहले ही उन्हें बोला था कि जल्दी आ जाना, बट ऑफिस में पता नहीं क्या काम आ गया उन्हें, तो फिर जो है वो नहीं आ पाए, तो फिर जो है हमको आज निकलने में काफी ज्यादा लेट हो गया था, और इस चक्कर में भीड़ भी इतनी ज्यादा हो गई थी कि आज जो है हमारा जो नंबर था काफी लेट आया। असल में भीड़ होती है वो तो होती है, लेकिन वहां पे ये होता है ना कि बीच में क्योंकि वो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है तो बीच में ना काफी जो है लेजर वगैरह के आते रहते हैं पेशेंट, तो बीच में ही वो लेजर वगैरह करने लग जाती है ना, तो उसमें फिर उनका जो है 1-1.5 घंटा चला जाता है एक पेशेंट में, तो उसमें जो है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर एक पेशेंट भी आ गया ना इस तरह का बीच में, तो समझिए 1-1.5 घंटा आपका चला गया, तो वही जो है लेट हो जाता है। बट मजबूरी है, जाना पड़ता है उनके पास, क्योंकि काफी अच्छी जो है डॉक्टर है, अभी का ट्रीटमेंट भी मैंने उन्हीं पर चलाया था, जैसे कि आपके साथ शेयर किया था, उसको जब स्किन प्रॉब्लम हो गई थी खुजली वगैरह की, तो मैंने काफी डॉक्टर्स को दिखाया था, बट किसी पर जो है आराम नहीं मिला था, जब मैंने इन्हें दिखाया था तो अभी को आराम मिल गया था, तो इस वजह से जाना होता है, वरना वहाँ पे सब कुछ बढ़िया है, बस यही एक दिक्कत है कि बीच में ही वो लेजर वगैरह के पेशेंट देखती हैं, अगर उनका टाइमिंग अलग हो तो इतनी दिक्कत ना हो। तो चलिए कोई नहीं, मैंने यहाँ पर सारी तैयारी कर ली है, हस्बैंड ने भी आकर जो है नहाकर मैंने उन्हें भी खाना दे दिया था, तो वो खाना खा रहे हैं बैठे हुए, और मैंने भी खा लिया था, मैं फ्री हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर अपनी जो थोड़ी बहुत तैयारी है वो मैं कर कर फिर हम लोग जो है निकलेंगे। निकलते निकलते हमें लगभग 12:15 का टाइम हो गया था, तो बस यहाँ पर सारी जो मेरी तैयारी थी वो हो गई है,
और ये कपड़े बाहर डले हुए थे तो इन्हें भी मैं उठाकर अंदर रख देती हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह आ गई तो फिर जो है भीग जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है मौसम का आजकल। हाँ, तुरंत जो है बारिश आ जाती है, तो बस कपड़े ले आई हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, अब 11:45 का टाइम हो गया है और हस्बैंड ने सच में इतना लेट कर लिया, जितना जल्दी जाना था उतना ही उन्होंने लेट कर लिया। असल में ऑफिस में चले गए थे, उनके जो बॉस हैं उनकी कॉल आ गई थी जैसे कि आपको बताया। फिर धीरे धीरे मैं कई बार कॉल कर चुकी, तब बड़ी मुश्किल से तो आए थे, और आकर फिर नहाए, खाना वगैरह खाया और 11:45 हो गए हैं। अब हस्बैंड गए हैं गाड़ी लेने के लिए और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। इंतज़ार करते करते देखिए अभी भी सो गया है। अब उसको मुझे ऐसे ही ले जाना पड़ेगा, बट जाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेट हो गए हैं, अब पता नहीं वहाँ कितनी देर में नंबर आएगा, कितना क्या टाइम लगेगा। इसी वजह से जल्दी जाते हैं ताकि जल्दी आ सकें। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, भीड़ भी बढ़ती जाती है, गर्मी भी बढ़ती जाती है, तो ज़्यादा जो है परेशानी हो जाती है। तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, तो अब देखते हैं कि कितनी देर में जो है नंबर आएगा, फिर कब जो है वापस आएंगे। तो जैसा भी होगा मैं आगे आपके साथ जो है शेयर करूँगी। तो चलिए, हस्बैंड भी आ गए हैं गाड़ी लेकर, अब हम लोग निकलते हैं। तो बस यहाँ पर अब हम लोग निकल आए हैं और अब हम पहुँच रहे हैं क्लिनिक पर। और जैसे ही हम लोग क्लिनिक पर पहुँचे ना, वहाँ पर भीड़ देखकर तो जो है सच में दिमाग खराब हो गया। और वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर पूछा नंबर, नंबर तो फोन से ही लगा दिया था, तो पूछा तो उन्होंने बताया कि अभी भी जो है 1 घंटे बाद आपका नंबर आएगा। तो फिर हस्बैंड ने सोचा इतनी देर यहाँ पर बैठेंगे, बच्चे परेशान करेंगे, तो चलो मॉल में ही चलते हैं। तो ये पास में ही मॉल था, तो वहाँ पर आ गए थे। वैसे लेना तो कुछ था नहीं, बस टाइम पास करना था। वहाँ गर्मी में बैठने से अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा जो है घूम फिर लेंगे, कुछ अगर अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, वरना एसी की हवा तो खा ही लेंगे। तो बस ये सोचकर जो है आ गए थे। और यहाँ पर देखिए ये वाला सूट मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इसका कलर बहुत प्यारा था और डिजाइन वगैरह भी काफी अच्छी थी, बट बहुत ज्यादा कॉस्टली था, तो इस वजह से फिर मैंने जो है नहीं लिया। वैसे भी लेना तो था नहीं, बट जो है देखने में काफी अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद फिर जो है हम लोग मॉल से निकल आए। ये देखिए बस इतना सा सामान लिया है, ये मकई के दाने जो खत्म हो गए थे वो हैं, काजू हैं, और किचन के लिए टावल ली हैं, बस ये इतना सा सामान है। ज्यादा कुछ मैंने पहले ही बताया आपको लेना नहीं था। और अब हम आ गए हैं घर, और इस टाइम जो है 4:15 का टाइम हो रहा है। और सच में मॉल से जाने के बाद भी काफी देर बाद नंबर आया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ लेजर वगैरह के पेशेंट आते हैं, तो वही एक आ गए थे। उसके बाद भी इतना टाइम लग गया, और गर्मी की वजह से सच में हालत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। और बच्चों ने तो सच में इतना परेशान किया, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। स्पेशली अभी बहुत रो रहा था क्योंकि भीड़ भी हो गई थी, ऊपर से गर्मी इतनी थी। आज कई दिनों बाद जो है धूप भी निकल आती है, सुबह आपने देखा था धूप नहीं थी, और इस टाइम आप देख सकते हैं रूम में कितनी धूप आ रही है। तो बहुत ज्यादा गर्मी हो गई थी, इस वजह से बच्चों ने सच में बहुत परेशान किया। और हस्बैंड के ऑफिस से भी बार बार कॉल आ रही थी, तो हस्बैंड सच में बोलते हैं ना कि बाहर की फ्रस्ट्रेशन जो है हस्बैंड फिर वाइफ पर ही निकालते हैं, तो वही हाल है। ऑफिस से बार बार कॉल आ रही थी, अभी भी बार बार परेशान कर रहा था, तो हस्बैंड फिर मुझसे ही बोले कि तुम्हें भी आज ही जो है मेडिसिन लेने के लिए आना था। तो अब मुझे क्या पता था कि उनके ऑफिस में भी जो है आज संडे के दिन ही काम आ जाएगा, नंबर जब लग चुका था तो फिर तो जो है आना ही था। तो यही चीज है ना, हर हस्बैंड की यही कहानी होती है कि बाहर की जो भी गुस्सा जो भी फ्रस्ट्रेशन होता है फिर वो आकर घर पर ही निकालते हैं, तो वही वाला हाल है। तो मेरा मूड सच में इतना खराब हो गया, एक तो इतनी गर्मी, इतना टाइम लग गया ऊपर से हस्बैंड, और जैसे ही वो आए ना तुरंत हम लोगों को छोड़कर चले गए ऑफिस, क्योंकि उनका ऑफिस जो है खुला हुआ था संडे के दिन ही। तो यही था आज मेरा संडे का जो है व्लॉग, कुछ इस तरह का गया। आशा करूंगी आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय।